गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल स्टूडेंट्स टूडे वी विल लर्न अबाउट किरचॉफ्स लॉज या किरचॉफ्स रूल्स जो हैं वो आज हम लर्न करेंगे तो किरचॉफ्स रूल्स या किरचो लॉज जो हैं वो कुछ लॉज जो कि किरचॉफ्स ने हमें दिए थे वो लॉज देने का उसका पर्पज़ क्या था पर्पज़ था कि एक ऐसा सर्किट जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो उस कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर अगर हमें करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करनी हो तो ओम स्लो सिंपली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता तो इसीलिए क्रिचर्स ने हमें कुछ रूल्स दिए कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट्स हों तो उसमें करंट और वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम ये रूल्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं तो किचर्स ने हमें टू रूल्स दिए थे कितने लॉज हैं किचर्वस के टू हाउ मेनी रूल्स टू जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म पहले बताऊंगी आपको के सी एल एंड के वी एल के सी एल एंड के वी एल के सी एल क्या होता है के सी एल का मतलब है क्रिच करंट लॉ इसको हम लिखेंगे क्रिच ऑफ करंट लॉ एक एच कर दिया क्रिच करंट लॉ और के वी एल को लिखेंगे क्रिच वोल्टेज लॉ तो आई नो राइटिंग थोड़ी अच्छी सी नहीं आ रही है इस स्केच से बट किरचॉफ्स करंट लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के सी एल एंड एंड के वी एल तो यहाँ पर ये रूल जो हैं वो हमें क्या बताते हैं इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं तो जो हमारा ये किर्च करंट लॉ है के सी एल लॉ है इस लॉ का एक और नेम है इस लॉ को हम और क्या कहते हैं दैट इज़ ऑल्सो नोन एज जंक्शन लॉ इसको हम जंक्शन लॉ भी कहेंगे सो के सी एल स्टेट करते हैं केचोज फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ स्टेट करते हैं ये लॉ क्या स्टेट करता है ये लॉ ये स्टेट करता है कि जितने भी करेंट किसी जंक्शन पॉइंट के की तरफ एंटर कर रहे हैं यह जंक्शन पॉइंट से दूर जा रहे हैं ठीक है जंक्शन पॉइंट मतलब कि सर्किट के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर अलग अलग उसके पाथ्स निकल रहे हों जैसे कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल बनाऊँ इस तरीके से तो आपको क्लियर होगा ये मैंने एक सर के डायग्राम बनाया ए बी सी डी ई एफ तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है बी पॉइंट सी डी ई एफ इन में से अगर मैं जंक्शन पॉइंट मैं कहूँ कि बी और ई e जो है वो जंक्शन पॉइंट है क्यों क्योंकि इस पॉइंट पर ये अलग पाथ निकल रहा है ये अलग पाथ है और ये हमारा अलग पाथ है यहाँ से अलग पाथ है तो ये तीन पाथ ठीक है ये जंक्शन है ये तीनों यहाँ से जंक्शन पॉइंट है ये लेकिन ए को नहीं जंक्शन पॉइंट कह सकते क्योंकि ये सिंपल एक ही वायर है जिसको मोड़ा गया है सिमिलरली ई e भी यहाँ पर ये जंक्शन पॉइंट है तो के ये कहता है किसी भी जंक्शन पॉइंट पर अगर कहीं से करंट आ रहा है ठीक है जितना करंट जंक्शन पॉइंट पर आ रहा है उतना ही करंट जो है वो जंक्शन से बाहर भी जाएगा जितना करंट जंक्शन पॉइंट पर आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन पॉइंट से बाहर भी जाएगा तो इसके लिए हम एक साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि जो करंट जंक्शन पॉइंट पर एंटर करता है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव और जो करंट जंक्शन पॉइंट से बाहर निकलता है उसको हम लेते हैं नेगेटिव तो यहाँ पर मैंने इसको कह दिया आई वन आई टू आई थ्री और इसको मैं कह दूँगी आई फोर एंड आई फाइव तो के सी एल के अकॉर्डिंग की जो टोटल सम होगा करंट का अलजेब्रिक सम होगा इन सभी करंट का इस पॉइंट के ऊपर वो क्या होगा जीरो के इक्वल होगा द अल्जैब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट ये देखो ये क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट है इस पॉइंट पर टोटल करंट जो है वो ज़ीरो होगा तो कैसे आप लिखोगे कि ये करंट ज़ीरो होगा आप इसका अल्जैब्रिक सम लिखोगे आई वन प्लस आई टू आई थ्री और क्योंकि ये करंट बाहर निकल रहे हैं तो आप लिखोगे माइनस आई फोर माइनस आई फाइव इट शुड बी इक्वल टू जीरो और यू कैन राइट आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू में आई फोर प्लस आई फाइव यहाँ से ये पता लगता है कि जितना टोटल करंट एंटर कर रहा है उतना ही टोटल करंट बाहर भी निकल रहा है लीव कर रहा है तो यहाँ से इस लॉ को हमने स्टेट किया दो स्टेटमेंट आ गई एक स्टेटमेंट आ गई अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो दूसरी डेफिनेशन आ गई दैट सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एट एनी पॉइंट पॉइंट का मतलब जंक्शन है यहाँ पर मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द कर लिविंग दैट पॉइंट लिविंग दैट जंक्शन पॉइंट इसे हम कहते हैं के सी एल या जंक्शन लॉ तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट क्लियर होता है कि इसको इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल करंट आ रहा है करंट का मतलब रिलेटेड टू चार्ज है या नहीं है बिकॉज करंट इज़ ए रेट ऑफ लो ऑफ चार्ज कि जितना चार्ज यहाँ आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर भी जा रहा है इसका मतलब किसी भी पॉइंट ये जंक्शन पॉइंट पर कोई भी चार्ज इकट्ठा नहीं होगा वहाँ ठीक है वहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा और ये के सी एल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि के सी एल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है ओबे करता है या नहीं करता है यस के सी एल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे प्रूव कर सकते हो इस इक्वेशन को आप टी से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड तो आई वन टी प्लस आई टू टी प्लस आई थ्री टी इक्वल टू में आई फोर टी प्लस आई फाइव इं टी ये करंट इन टाइम क्या होता है चार्ज दैट मीन्स चार्ज क्यू वन इसको लिखती हूँ क्यू टू क्यू थ्री एंड इट इज क्यू फोर एंड क्यू फाइव ठीक है कि जितना टोटल चार्ज जो है वो एंटर कर रहा है उतना ही टोटल चार्ज जो है वहाँ से एग्जिट भी कर रहा है ठीक है सो चार्ज इज कंज़र्व्ड लेट्स टू वन न्यूमेरिकल फाइंड करेंट आई इन द सर्किट शोन इन फिगर तो आपके पास ये एक फिगर में ये शो किया हुआ है कि इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर करंट्स कुछ एंटर कर रहे हैं और कुछ लीव कर रहे हैं आपको यहाँ पर इस आई की वैल्यू निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू के जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव भी कर रहा है तो आप क्या लिखोगे विल राइट कितना करंट एंटर कर रहा है आप इनको पॉज ये टू एम्पियर ठीक है तो आप यहाँ टू प्लस में टू प्लस क्योंकि ये एंटर कर रहे हैं इनके साइन पॉजिटिव लेने हैं और जो लीव कर रहे हैं उनके साइन हमने माइनस में लेने हैं तो यहाँ लिखूँगी वन माइनस में वन पॉइंट थ्री और माइनस में आई इक्वल टू में ज़ीरो ठीक है तो इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी वन पॉइंट सेवन माइनस आई और वी कैन राइट आई इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन तो हमने करंट की वैल्यू निकालनी यहाँ पर वन पॉइंट सेवन एमपियर और कौन सा यहाँ पर ये लॉ यूज़ किया है ये हमने लिखा है बाय के सी एल बाय जंक्शन लॉ सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इस लेक्चर में आपने लर्न किया के सी एल किरचोस लॉ का के सी एल लॉ ठीक है किचोस करंट लॉ नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्न करेंगे किर्चोस वोल्टेज लॉ Thank you all of you.